वेरी गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के करंट अफेयर्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो करंट अफेयर्स का लाइव सेशन आप सब अटेंड कर रहे हैं उससे अपकमिंग एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। जैसे अभी NTPC की परीक्षा चल रही है या और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो नजदीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये सेशन मैंने स्टार्ट किया था। हालांकि पहले अगस्त के माह में भी करंट अफेयर्स का एक लाइव सेशन चला था और वो सेशन लगभग एक महीने तक था, लेकिन उस बार जो पढ़ाने का तरीका था उससे मैंने इस बार के तरीके को काफी मॉडिफाई कर दिया है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि प्रतिदिन मैं प्रश्नों के माध्यम से उसी टॉपिक का डिस्कशन करता हूं। जो प्रश्न आपके सामने होते हैं ना केवल उसका उत्तर बताया जाता है बल्कि विस्तार से उस विषय पर चर्चा होती है और उसी डिस्कशन के माध्यम से आप बहुत सारे टॉपिक फर्दर उससे रिलेट करके भी तैयार करते हैं। एक विस्तृत जानकारी उस विषय से संबंधित आपके पास होती है, फिर इसके साथ साथ जो है आपको एक रिटर्न फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है जिससे आप करंट अफेयर्स का पूरा अपडेट वो अपने पास रख सके और उसे रिवाइज भी कर सके। तो श्रीकांत शुक्ला जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई निरंतर जारी किए हुए हैं उनको मेरी यही हिदायत है कि आप जो है निरंतरता को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि जब आप निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं, निरंतर आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी तैयारी एक सही दिशा में एक सही तरीके से आगे बढ़ रही होती है। क्योंकि आप अगर चीजों पर ब्रेक लगा देते हैं, पढ़ाई से नाता एक लंबे समय के लिए टूट जाता है, तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आपको बहुत सारी पढ़ी हुई चीजों पर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता। निरंतरता बहुत आवश्यक है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, रेगुलर टच में रहेंगे, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे अभ्यास से कहीं ना कहीं चीजें सुधरेंगी। अमन जी जरा एक बार चैट बॉक्स उसको प्रॉपर कर दीजिएगा। हाँ सुनील जी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जो भी इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बात का मुझे फिर खेद है कि आज भी मैं थोड़ा विलंब हो गया। 10:15 बजे के आसपास क्लास का सेशन रहता है, शेड्यूल जो बनाया गया है, लेकिन कुछ कारण से चूंकि अभी ठंडी का सीजन आप देख रहे हैं, सर्दी का प्रकोप शुरू हो चुका है, उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और आज तो काफी गजब की ठंड थी। जब मैं आ रहा था तो ये महसूस किया कि अब सुबह जो है वो सफर करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपना जो करंट अफेयर्स का ये लाइव सेशन चल रहा है इसका शेड्यूल भी चेंज करने जा रहा हूं। अगले सप्ताह से, चूंकि कल से आप सबकी छुट्टियां हो रही है, कल और परसों दो दिन यानी कि नए साल के उपलक्ष में आप सभी को एक अवकाश दिया जा रहा है कि आप सब एंजॉय करें नए साल के आगमन का, पार्टी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगले वीक से, अगले सप्ताह से, सोमवार से आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी और जो नए वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसका टाइमिंग में चेंज कर रहा हूं। तो अभी ही आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्लास के लास्ट में एक बार फिर बता दूंगा कि जो आपका नया टाइमिंग होगा लाइव सेशन का, इस करंट अफेयर्स का, वो दोपहर 2 बजे से हो जाएगा। अविनाश पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग, लक्ष्य जी वेरी गुड मॉर्निंग, दिनेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में जो भी यहां पर क्लासेस कर रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हुए बिना विलंब किए मैं आज के विषय की शुरुआत करूंगा, आज के टॉपिक की शुरुआत करूंगा और हम लोगों के पढ़ने का जो मोड है वो वही रहेगा। प्रश्न आपके सामने होगा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स यानी उत्तर देंगे और अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर भी मैं आपको कहीं ना कहीं उत्तर बताते हुए उस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए मैं आज के करंट अफेयर्स के लाइव सेशन की शुरुआत करता हूं और आपके सामने सबसे पहला प्रश्न मैं रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि यह भी बहुत पुरानी घटना नहीं है। 2019-20 के सत्र से संबंधित जो भी इस पूरे साल में या इस पूरे सेशन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन्हीं पर मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपको चीजों से फैमिलियर कराया जा रहा है। मोहम्मद तनवीर जी, काजल, गौरव, सभी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों पूछा जा रहा है कि जो संसद का निचला सदन है, जो लोअर हाउस है, उसमें नाम जानते ही आप सब लोकसभा, उसमें महासचिव के पद पर नियुक्ति पाने वाली पहली महिला कौन है।
यानी संसद या पार्लियामेंट के दोनों हाउस में आप जानते हैं, अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा में एक सचिवालय स्टाफ होता है, एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है जिसकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और उस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा के महासचिव का पद है उस पर अभी देश की प्रथम महिला जिन्हें यह पद दिया गया वो कौन है, इनके बारे में आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। नेहा जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चों को मेरा बहुत हार्दिक नमस्कार जो भी इस करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में आ चुके हैं या जो आगे जुड़ते जाएंगे। तो आज के पहले प्रश्न को मैंने आपके सामने रख दिया है, अब आप सबने अगर पढ़ा है तो इस पर रिस्पॉन्ड करें। प्रश्न फिर से एक बार आप समझ ले, बहुत साधारण सा प्रश्न मैंने पूछा। जैसे आपने लोकसभा के संदर्भ में यह प्रश्न पढ़ा होगा या आप जानते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो आप सब इस बात से फैमिलियर हैं कि सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। अभी वर्तमान में तो ओम बिड़ला जी स्पीकर है। तो यहां पर इसी तरीके का एक प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उस सचिवालय का जो चीफ होता है, जो प्रमुख होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह रोल प्ले करता है, एक प्रशासनिक प्रमुख होता है। उसी संदर्भ में पूछा गया कि लोकसभा के प्रथम महासचिव के रूप में देश की वो पहली महिला कौन है जिन्हें यह पद मिला या जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया। हालांकि अभी वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी के पद से ये रिटायर हो चुकी है, नए जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर 30 नवंबर 2020 में ही नए महासचिव आ गए, लेकिन 30 नवंबर 2020 तक ये देश की पहली महिला सचिव के रूप में काम कर रही थी। बिट्टू जी वेरी गुड मॉर्निंग, अनिल डोवाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब आप लोग यहां पर प्रश्न समझ चुके होंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी इन द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, वुमेन जनरल सेक्रेटरी के बारे में पूछा जा रहा है कि पहली महिला कौन है। आंसर आपको ऑप्शन से बताना, अब मैं सामने ऑप्शन भी रख रहा हूं। गायत्री ईश्वर कुमार, मोनिका कपिल मोहता, संगीता रेड्डी, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ये चार नाम आपके सामने हैं, ये सभी बड़ी चर्चित शख्सियत हैं, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र से ही ये सभी महिलाएं हैं। और इन्हीं में से जो है एक ने अभी हाल ही में देश में लोकसभा के प्रथम महिला जनरल सेक्रेटरी के रूप में भूमिका निभाई है। तो मैंने कहा 30 नवंबर 2020 तक वही देश की जो है वो लोकसभा की जनरल सेक्रेटरी थी और वो पहली महिला जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुकी है, हालांकि अब रिटायर हो गई। तो मोहम्मद तनवीर जी ने इस पर अपना रिस्पॉन्ड दिया है, सी ऑप्शन को, संगीता रेड्डी को। और अवधेश कुमार जी मोस्ट वेलकम, आपने डी को रिस्पॉन्ड किया है, स्नेहलता श्रीवास्तव को। फिर इसके बाद आप सभी लोग जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा है इस पर अपना रिस्पॉन्ड देने का प्रयास करें। श्रीकांत शुक्ला जी ने संगीता रेड्डी को आंसर लगाया है। जो भी जिन भी बच्चों ने, काजल ने इसका आंसर डी लगाया है, तो श्रीकांत के बाद सिमरन जी ने, वेरी गुड मॉर्निंग सिमरन जी, चलिए इसका रिस्पॉन्ड भी दीजिए। तो अब यहां पर विषय की शुरुआत हो चुकी है, आप सबके उत्तर की उम्मीद कर रहा हूं। विपिन कुशवाहा जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपने सी ऑप्शन लगाया संगीता रेड्डी जी को, अखिलेश ने सी आंसर लगाया है। तो ज्यादातर बच्चों ने इसमें आंसर सी लगाया संगीता रेड्डी, लेकिन जिन बच्चों ने भी रिस्पॉन्स सी दिया है मैं उनके साथ नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपका उत्तर यहां पर गलत हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप टिक कर ले, ये आंसर होगा स्नेहलता श्रीवास्तव। यानी अभी रिसेंट में जो है वो स्नेहलता श्रीवास्तव ने भारत में पहली बार एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में भूमिका निभाई है, यानी एक महिला के रूप में। आप ध्यान रखिएगा मैं जो प्रश्न पूछ रहा था कि देश की वो पहली महिला, तो पहली महिला के रूप में जनरल सेक्रेटरी का पद स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने सुशोभित किया था और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही। तो जिस तरह से देश की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन थी, ऐसे ही अगर आपके पेपर में आगे प्रश्न आ जाए, बिल्कुल अवधेश कुमार जी आप बिल्कुल राइट हैं और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने उत्तर सही दिया। बाकी अवधेश जी आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि आपने गेस किया था या पढ़ा था। उम्मीद करता हूं चाहे जैसे भी था लेकिन आपको इस पर पूरे अंक मिलते और अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न आता तो आपको ये अंक स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं मिलता।
चलिए, तो स्नेहलता श्रीवास्तव जो है ये प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुकी थी और इन्होंने ही अभी देश में प्रथम महिला लोकसभा महासचिव की भूमिका निभाई है, तो ये इनके नाम उपलब्धि रही। अब इसी संदर्भ में मैं इस विषय पर कुछ विस्तार से आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। मैंने इस पर अच्छा समय इसलिए दिया कि जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ ले। बहुत अच्छी बात अवधेश जी, और मैं बिल्कुल जान रहा हूं जो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं टॉपिक को जरूर पढ़ा है। तो दीपक यादव जी, अवधेश जी, आप सभी के उत्तर सही है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्पष्ट हो गया। सीधा सा प्रश्न है कि देश में प्रथम महिला लोकसभा महासचिव की भूमिका किसने निभाई? स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने। अब इसी संदर्भ में मैं इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। लोकसभा महासचिव के बारे में पहले कुछ बातें आप लोग ध्यान से सुन लें, उसको समझ लें। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे संसद के दो सदन हैं, हमारा पार्लियामेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है एक ऐसी विधायिका, एक ऐसा विधानमंडल जिसके दो सदन हैं। तो भारत की संसद के भी दो सदन हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसमें एक अपर हाउस कहलाता है, वो है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा है लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। तो राज्यसभा और लोकसभा इसके दो सदन है। दोनों सदनों के कार्य संचालन के लिए यानी सदनों में जो कामकाज होता है, जैसे सदन की बैठकें होती है, सदन में बिल पारित किए जाते हैं, तो हाउस के अंदर जो है जो भी कंडक्ट होते हैं, जो भी आचरण होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ नियम बने हुए हैं, और उन नियमों के आधार पर ही सदन की कार्यवाही चलती है। हाउस के प्रोसीडिंग्स होते हैं, हाउस के प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर टर्म का या पीठासीन अधिकारी शब्द का मतलब यह होता है जो सदन में एक तरीके से चेयरपर्सन के रूप में रोल प्ले करता है। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, राज्यसभा, उसके मुखिया के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति भूमिका निभाता है, जिसे सभापति कहते हैं। तो राज्यसभा में चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ऐसे ही लोकसभा का चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो स्पीकर कहलाता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति यानी एम वेंकैया नायडू जी इस समय राज्यसभा के सभापति है, और ओम बिरला जी इस समय जो है वो लोकसभा के स्पीकर है। तो ये दोनों चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चला सके, बेहतर तरीके से चला सके, इसी कारण से इनके लिए एक सचिवालय स्टाफ होता है, एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, और जो सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, सचिवालय का स्टाफ होता है, वही इनको असिस्ट करता है, यानी इनकी सहायता करता है। तो लोकसभा का सचिवालय अलग और राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है। हालांकि दोनों में कुछ पद कॉमन भी होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो कॉमन तरीके से रोल प्ले करती है, लेकिन दोनों का सचिवालय स्टाफ अलग है, और जो लोकसभा का सचिवालय है उसका मुखिया या उसका प्रशासनिक प्रमुख वही कहलाता है महासचिव। तो लोकसभा का महासचिव अलग होता है और राज्यसभा का जनरल सेक्रेटरी अलग होता है। तो इसी संदर्भ में आपके सामने मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, जिसको आप पढ़ेंगे तो इससे आपको इस पद के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा का सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, इसमें कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान भी होते हैं, इनके रिक्रूटमेंट, इनकी सर्विस कंडीशन, ये सब पार्लियामेंट फिक्स करती है, पार्लियामेंट इस पर रूल एंड रेगुलेशन पास करती है कि इनकी भर्ती कैसे होगी, इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी। दोनों सदनों के सचिवालय का जो मुखिया होता है यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उसका जो हेड होता है, चीफ होता है, वो महासचिव कहलाता है, यानी उसी को जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। ये एक परमानेंट ऑफिसर होता है जिसका अपॉइंटमेंट कंसर्न्ड हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, यानी जो लोकसभा का महासचिव होगा उसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करेंगे, जो राज्यसभा का महासचिव होगा वो राज्यसभा सभापति करेंगे। हाँ, गौर मोहित जी कह रहे हैं सर एसएससी सीजीएल में वैकेंसी बहुत कम ही अब की बार।
हाँ बिल्कुल गौर मोहित जी, इस बार सीजीएल में वैकेंसी तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली देखा जाए तो काफी कम आ रही है, लेकिन मैं एक बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि यदि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं तब भी आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि क्राउड के अकॉर्डिंग कभी भी आप इन चीजों से प्रभावित ना हो कि सर 25 लाख फॉर्म भरे गए, वैकेंसी 5000 है तो कैसे काम चलेगा। तो आप भीड़ से कभी भी जो है वो हतोत्साहित हो, यहां पर सिलेक्ट होने का मतलब सीधा सा आपको एक पद चाहिए, तो जितनी भी वैकेंसी है उसमें एक कुर्सी आपके लिए है, एक वैकेंसी आपके लिए है, सिर्फ आप जो है एक सही दिशा में ईमानदारी भरा प्रयास करें। तो यदि आप डेडिकेटेड हैं, ईमानदार हैं, तो एक टारगेट सेट करिए कि मुझे कितने मार्क्स ऑब्टेन करने, कितने नंबर लाने हैं, और अगर इतने मार्क्स में सिक्योर करता हूं तो डेफिनेटली मुझे सिलेक्शन मिल जाए। तो यह मैटर नहीं करता वैकेंसी कितनी है, ठीक है, हालांकि तुलनात्मक रूप से रियल में वैकेंसी कम है। आगे बात करता हूं मैं, तो मैं कह रहा था कि इस तरह से जो हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा में, वही जो इनकी नियुक्ति करते हैं। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओन, दो देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेस, देयर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। The secretariat of each house is headed by a secretary general. तो ये लाइन क्लियर हो रही होगी। मुकुल कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि जो पार्लियामेंट के ईच हाउस है, दोनों सदन है, उनका जो सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है उसके हेड के रूप में जनरल सेक्रेटरी रोल प्ले करता है, और दोनों हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वही इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, और इस तरह से हम लोग लोकसभा के महासचिव के संदर्भ में कुछ बातें जो है वो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जिससे आगे इससे संबंधित कोई चीज पूछी जाए तो उत्तर दे सके। फिर आगे बढ़ते, ये एक परमानेंट ऑफिसर है और अपॉइंट किया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कंसर्न हाउस द्वारा, तो इसी पर मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया हिंदी में, ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आप समझिए, लोकसभा महासचिव लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, यानी कि जो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल है इसका रोल क्या है, ये है क्या, तो आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो एक तरीके से महासचिव होता है, क्योंकि लोकसभा का चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सदन की कार्यवाही चलती है उसका मुख्य पीठासीन अधिकारी वो तो स्पीकर होता है, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है बाकी फंक्शनिंग पूरी मॉनिटरिंग इसी के द्वारा होती है वो कहते हैं जनरल सेक्रेटरी या इसे महासचिव कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इस पर भी बात हो गई। महासचिव पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव पद के समतुल्य होता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आप समझिए। भारत सरकार के प्रशासनिक सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा या सबसे बड़ा पद कैबिनेट सेक्रेटरी का है, कैबिनेट सचिव का है। कैबिनेट सचिव का मतलब होता है देश का सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी, तो प्रशासन में सर्वोच्च स्तर पर अगर कोई पद है तो वो कैबिनेट सचिव का है। और यहां पर अगर आप देखें तो यह कहा जा रहा है कि जो लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी है उसकी पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है, यानी उसके समान है। तो प्रशासन में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में या भारत सरकार की जो सिविल सेवा उसमें सर्वोच्च पद अगर कैबिनेट सचिव का है तो लोकसभा या संसद में जो है महासचिव का पद जो है उसके समतुल्य, यानी वहां पर वो सर्वोच्च भूमिका में है। फिर आगे हम बात करते हैं, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल इज ऑफ द रैंक ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो आप सब शायद इस बात से भली बहुत परिचित थे या जानते थे पहले से ही कि भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव से कहते हैं, सबसे सीनियर आईएएस होता है। और इसी तरीके से आज से आप जान लीजिए कि इसके समतुल्य एक पद है और वो है लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव।
हाँ मुकुल कुमार कह रहे हैं सर अगर स्पीकर लोकसभा में अवेलेबल ना हो तो कौन लोकसभा को प्रिजाइड करेगा। ये तो पॉलिटी के प्रश्न पर आप आ गए, मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं मुकुल जी, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो बता देता हूं। लोकसभा का स्पीकर अगर एबसेंट है तो डिप्टी स्पीकर करेगा हाउस को प्रिजाइड, डिप्टी स्पीकर भी अगर नहीं होगा तो और भी व्यवस्था होती है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को हाउस को प्रिजाइड करने के लिए कुछ सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के एबसेंट रहने पर भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं संविधान के तहत दी गई है, लेकिन आपका जो प्रश्न था उसका सीधा सा उत्तर यही हो जाएगा कि लोकसभा के स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर हाउस को प्रिजाइड करता है, सदन की अध्यक्षता जो है वो उपाध्यक्ष करेगा। चलिए, तो मैं यहां पर महासचिव के बारे में बात कर रहा था, कुछ तथ्य आपके स्पष्ट हो चुके हैं, आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद हाँ इसमें विपिन कुशवाहा जी पूछ रहे हैं सर आप कब लाइव आते हो। देखिए विपिन कुशवाहा जी, करंट अफेयर्स का सेशन तो रेगुलर में चला रहा हूं, मॉर्निंग में 10:15 बजे इसका शेड्यूल है। मैंने अभी अभी बच्चों को बताया कि मैं अपना शेड्यूल फिर से चेंज कर रहा हूं, रीशेड्यूल कर रहा हूं, ठंडक बहुत बढ़ गई है और साथ में कुछ टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ रहा था, तो इस कारण से आपका जो नया शेड्यूल होगा करंट अफेयर्स के इस लाइव सेशन का वो अगले वीक यानी मंडे से जो क्लास शुरू होगी, रिज्यूम होगी क्लास, उसमें मैं टाइमिंग 2 बजे से रखूंगा। तो अब 2 बजे से आपका ये करंट अफेयर्स का लाइव सेशन चलेगा। आजाद कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने संवैधानिक और विधिक दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके इसी संदर्भ में लोकसभा महासचिव उसकी सहायता करता, यानी लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर उसके कुछ संवैधानिक दायित्व है, उसके कुछ विधिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दी गई है, उसे कुछ लीगल ड्यूटी असाइन की गई है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ड्यूटी जो उसे असाइन की गई उसको प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन कर सके, उसे चला सके, इसीलिए उसे असिस्ट करने के लिए जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई है। तो आप समझिए सदन की जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती है, वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, चेयरपर्सन की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि प्रॉपर तरीके से वो चले, और इसी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए ही उसको असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में महासचिव दिया गया या एक सेक्रेटेरियल स्टाफ दिया गया, सचिवालय स्टाफ दिया गया है। आगे बात करते हैं महासचिव के पद का दर्जा, रैंक, वेतनमान, ये सब भारत सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता। तो 2 चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है, कैबिनेट सचिव, और संसद में जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है या संसद के सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, दोनों इक्विवेलेंट है। उनकी सैलरी जो आप देख रहे हैं, रैंक, इनका स्टेटस, सब कुछ जो है वो इक्विवेलेंट है। तो अब आगे बात करते हैं, इसी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जहां पर मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है, बिना आपके कहे मैं आपको ट्रांसलेटेड फॉर्म में ही पीडीएफ दूंगा, तो आपको पूरा यह पीडीएफ फाइल भी मिल रहा होगा, आप इसको अपने पास कलेक्शन के तौर पर रिविजन के लिए रख सकते हैं, आपकी करंट अफेयर्स की फाइल बन जाएगी जिसे आप समय समय पर रिवाइज करें और इसका लाभ उठाएं, और बाकी चीजों को जो आप सुन रहे हैं उससे भी आपकी काफी कुछ तैयारी हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है। जैसे आज आपने कम से कम यह जाना कि लोकसभा और राज्यसभा में महासचिव का पद है क्या, इनका क्या रोल है और ये किस तरह से काम करते हैं, और अभी वर्तमान में लोकसभा महासचिव के संदर्भ में अगर प्रश्न आ जाए कि देश की वो पहली महिला कौन है जिन्होंने लोकसभा महासचिव का पद धारण किया था, तो अभी बताया आपको स्नेहलता श्रीवास्तव जी। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा महासचिव 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक अपने पद पर बना रहता, यानी कि इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो एज 60 इयर्स है, और फिर इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के प्रति वो आंसरेबल होता है, उत्तरदायी होता है, यानी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है ये केवल अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी है, उनके प्रति अकाउंटेबल या आंसरेबल है।
ये सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित करता है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि संसद के दोनों सदनों का सत्र कौन बुलाता है। सत्र का मतलब सेशन यानी बैठक, और बुलाने के लिए संविधान में जो टर्म है समनिंग द सेशन है, यानी कि दोनों हाउस के सेशन को समन कौन करता है। तो दोनों सदनों के सत्र को बुलाने का जो उत्तरदायित्व है संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की बैठकों को आयोजित करता है या सदस्यों को बैठक में बुलाता है। तो यह प्रक्रिया कैसे जो है सुचारू रूप से आगे चलती है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, उनको नोटिस देगा कि इस तारीख को इतने बजे आपको सदन में उपस्थित होना है। तो राष्ट्रपति के ओर से जो महासचिव है यही सदस्यों को सदन में उपस्थित होने के लिए सम्मनिंग करता है या उनको आमंत्रित करता है। फिर इसके साथ साथ जितने भी विधेयक सदन में लाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रमाणित कौन करता है, सर्टिफाई कौन करेगा, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में विधेयकों को जो है वो प्रमाणित करने का काम भी वो महासचिव करता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही और शी summons members to attend session of parliament, that's mean Lok Sabha, and authenticates bills in the absence of the speaker. Absence of the speaker, any other speaker absent है, तो bills के authentication का जो work है वो general secretary करेगा, महासचिव करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देश के प्रथम लोकसभा महासचिव कौन थे, तो आप सब जानते हैं कि देश में पहली बार लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, और 1952 में ही देश के प्रथम लोकसभा महासचिव बनाए गए थे, उनका नाम था M.N. कौल। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई। हाँ, मोहम्मद तनवीर जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी दोनों सदनों को बुला सकता। नहीं मोहम्मद तनवीर जी, आपकी जानकारी गलत है। प्रधानमंत्री कभी भी सदन का सत्र नहीं बुला सकता है। आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रधानमंत्री के अधिकार में सदन के सत्र बुलाने का अधिकार नहीं है। ये बात अलग है कि सदन का जो सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। शुभम सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, ये कह रहे सिमरन दैया, ज्योग्राफी की क्लास का न्यू टाइम होगा सर। बिल्कुल सिमरन जी, ज्योग्राफी की क्लास का भी न्यू टाइम मैंने कर दिया है अब अगले सप्ताह से, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है इस वीक की। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2020 वो कल समाप्त हो रहा है और 2021 वर्ष का आगमन हो रहा है, तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहा हूं, और साथ में ये भी इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं जो है आपको एक मौका दिया गया कि आप बीतने वाले वर्ष का भी इंजॉय कर सके और आने वाले वर्ष को जो है उसका वेलकम कर सके कि वो जीवन में कुछ खुशियां लेकर आए। 2020 का जो वर्ष रहा ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया किस तरह से जो है कोरोना संकट के दौर से गुजरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो 2021 का वर्ष का आगमन हो रहा है वो कुछ बेहतर करेगा, हमारे जीवन में कुछ बेहतर लेकर आएगा, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी 2020 का वर्ष बड़ा दुखदायी ही रहा है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, समय सब अच्छे बुरे आते रहते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं। सभी को मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। प्रभाकर जी, आपको भी। शुभम जी, हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप, टॉपिक पर मैं आ जाता हूं। हाँ, तो मोहम्मद तनवीर जी, जब पॉलिटी पढ़िएगा मैं उसको क्लियर करूंगा। प्रधानमंत्री के अधिकार में नहीं है, आपने स्वीकार किया, अच्छी बात। आजाद कुमार जी कह रहे हैं कि विधेयक को, अच्छा आप विधेयक कहना चाह रहे हैं, विधेयक को प्रमाणित किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। ठीक है आजाद कुमार जी, पॉलिटी जब पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रमाणित होता है, साधारण विधेयक कैसे होता है, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी मैं जिस टॉपिक पर फोकस हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा था कि दो चीजें स्पष्ट कर दी मैंने, अगर आपके पेपर में आ जाए, देश में लोकसभा का प्रथम महासचिव कौन बना था, तो M.N. कौल का नाम याद
रखिए, एक बार ध्यान से देख लें, 1952 से 1964 तक एमएम कौल जी ही वो देश के प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे लोकसभा के, और फिर इसके बाद जो वर्तमान में भी लोकसभा महासचिव हैं, यानी इनकम्बेंट जो इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। 30 नवंबर 2020 को इन्हें जो है इस पद पर सुशोभित किया गया और 1 दिसंबर से इन्होंने चार्ज ले लिया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो वर्तमान लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। तो पहले महासचिव का नाम भी स्पष्ट हो गया एमएम कौल, वर्तमान में जो है इनका नाम भी स्पष्ट हो गया। इनसे पहले ही जो है इसने लता श्रीवास्तव जी देश में लोकसभा महासचिव थी और वो पहली महिला लोकसभा महासचिव बनने का गौरव हासिल की है। गजू पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ अब इसके बाद हाँ आप सभी भी मुझे हार्दिक बधाई दे रहे हैं, आप सबके शुभकामनाओं को मैं स्वीकार करता हूं और नौ वर्ष के आगमन पर आप सभी को एडवांस में जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो और हम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। हाँ फिर कह रहे हैं प्रभाकर जी पूछ रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम बन सकता है या नहीं। ध्यान रखिएगा भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर कंट्री है और यहां पर धर्म के आधार पर जो है किसी पद का जो है निर्धारण या पद की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया। तो वो कोई भी धर्म समुदाय पंथ किसी भी तरीके से अगर भारत का नागरिक है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए हकदार है, इसलिए उसको धर्म से नहीं जोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 1982 बैच की जो है ये रिटायर्ड ऑफिसर थी, यानी रिटायर्ड आईएएस थी 1982 के बैच की श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। इन्हीं को 1 दिसंबर 2017 को जनरल सेक्रेटरी लोकसभा में अपॉइंट किया गया था और इसके साथ साथ यहां पर जो उस समय की जो लोकसभा स्पीकर थी श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया था। मुकेश यादव जी कह रहे हैं सर फ्री में मिड ब्रेन एक्टिवेशन, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मिड ब्रेन आपका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो मिड ब्रेन वाले सर आएंगे और शायद आप लोगों ने उनकी क्लासेस ली होगी तो बताएंगे कि कैसे मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग यहां पर आगे बात करते हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जी जो रिटायर्ड ऑफिसर थी, सिविल सर्वेंट थी, आईएएस थी, इन्हीं को 1 दिसंबर 2017 को अपॉइंट किया गया। उस समय लोकसभा की जो देन स्पीकर थी श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया और 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन्होंने यह पद धारण किया 2017 से 20 तक। और मैंने अभी बताया उत्पल कुमार सिंह जी अब नए महासचिव बन चुके हैं 30 नवंबर 2020 से। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये आपका पहला प्रश्न था, पहला टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आप सबको लोकसभा के महासचिव का पद समझ में आ गया होगा और इसका बैकग्राउंड भी समझ गए होंगे, देश का पहला लोकसभा महासचिव कौन बना, वर्तमान में कौन है और पहली महिला महासचिव लोकसभा में कौन थी। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे तो कम से कम 3 नाम अभी के लिए याद कर लीजिए, एमएम कौल पहले महासचिव, स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला महासचिव, वर्तमान महासचिव लोकसभा में उत्पल कुमार सिंह, और बाकी महासचिव के पद के संदर्भ में जो जानकारियां थी वो आपसे मैंने शेयर कर दी। तो आज का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, हु इज द करेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक भी जो है आप सबने पहले कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि सीवीसी का पद एक विधिक पद है, एक लीगल पोस्ट है, एक आप कह सकते हैं स्टैचुरी पोस्ट है, और यहां पर वर्तमान में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है। तो शायद सतर्कता आयुक्त के बारे में आप बेसिक जानकारी रखते होंगे। अनुराग सिंह राणा जी ने कहा कि ऑप्शन ए होगा। अनुराग जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपने अपना उत्तर दे दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर यह बता रहा था कि सतर्कता आयुक्त के बारे में आप सब पहले से ही फैमिलियर हैं, जानते हैं कि देश में जब भ्रष्टाचार एक संस्थागत रूप लेने लगा, देखिए करप्शन के इंस्टीट्यूशनलाइज होने का मतलब यह होता है, संस्थागत होने का मतलब यह होता है कि जब सरकारी एजेंसियों में जो पब्लिक सर्वेंट बैठे हैं, जो लोक सेवक बैठे हैं, वो भ्रष्ट आचरण करने लगे, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाए, तो इसे संस्थागत भ्रष्टाचार कहते हैं। यानी संस्थाओं में ही एक तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया।
हाँ, राघव झा जी ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, रंजीत जी ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, राहुल यादव जी आप कह रहे डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं या वीकली? नहीं राहुल यादव जी, ये डेली क्लास चलती है। इसका शेड्यूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंडे टू फ्राइडे का इसका शेड्यूल है, जिसमें मंडे टू थर्सडे आपकी डेली करंट अफेयर्स होती है और फ्राइडे के दिन मैं स्टैटिक जीके का कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूं। जैसे अभी आप देख रहे हैं लास्ट वीक में हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उससे पहले आर्मी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं सतर्कता आयुक्त के संदर्भ में आपको यह बता रहा था कि किस तरह से भारत में जब भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती चली गई तो यह फैसला लिया गया कि भ्रष्टाचार विशेषकर लोक सेवकों पर एक कहीं ना कहीं विजिलेंस रखा जाए, लोक सेवकों पर निगरानी रखी जाए कि वो गलत ना करें या भ्रष्ट आचरण ना करें। इस संदर्भ में ही सतर्कता आयोग का गठन किया गया, तो इस पर मैं विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पर जो है वो उत्तर दे दिया है, और इस तरीके से जो उत्तर ज्यादातर बच्चों ने दिया इसमें संजय कोठारी, मैं उनसे सहमत हूं, तो मैं भी यहां पर उनके साथ जाऊंगा और आंसर ए लगाऊंगा। हाँ दीक्षा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग यहां पर जिन्होंने इन प्रश्न को पढ़ लिया वो उत्तर लगा ले संजय कोठारी, जिनको पहले से मालूम था बहुत बहुत उनको बधाई, और जिनको नहीं मालूम था वो भी जान ले कि इसका करेक्ट आंसर होगा संजय कोठारी जी, अभी देश में मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा विजिलेंस कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास क्या है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसका गठन वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया गया था? तो के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो जब किसी कमेटी का कोई चेयरपर्सन होता है तो उसी के नाम पर उस कमेटी का नाम हो जाता है। तो यहां पर कमेटी का नाम क्या हो गया? के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो सीवीसी का गठन भारत में किया गया था। कब? फरवरी 1964 में। तो दो चीजें क्लियर हो गई। 1964 में सीवीसी का गठन हुआ, किस कमेटी के रिकमेंडेशन में हुआ? तो के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर। अंजलि जी कह रही एक तारीख को उनका बर्थडे है, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आपके जन्मदिवस की, और आप बहुत जो है लकी हैं कि आप नए वर्ष के आगमन के साथ ही आपका भी आगमन इस दुनिया में हुआ था। तो चलिए एडवांस में ही आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहा हूं, और मैं अपना शुभाशीष देता हूं कि आप अपने जीवन में हर एक जो है खुशियां प्राप्त करें जिसकी आप हकदार हैं। तो नेहा जी सभी को गुड मॉर्निंग, अंजलि जी आपको भी गुड मॉर्निंग। अब मेरे प्रश्न कर जो चर्चा चल रही है उसके माध्यम से आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे। उत्तर तो आप सबने जान ही लिया, ठीक है। यहां पर अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि किस तरह से सीवीसी का गठन हुआ था 1964 में, के संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। चलिए एक पॉइंट क्लियर हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार पर अंकुश रखना, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। और विशेषकर यह ध्यान रखिएगा आम जनजीवन के भ्रष्टाचार से इसका वास्ता नहीं है, यह कोई ध्यान रखिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी नहीं है, यह लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये कमेटी थी इसका नाम था कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समिति बनाई गई थी के संथानम कमेटी, उसी की रिकमेंडेशन पर 1964 में सीवीसी का गठन हुआ। ये पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसे वैधानिक दर्जा देने के लिए हाँ प्रभाकर यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि आप सब जब इस तरह से इनकरेज करते हैं तो मेरे अंदर भी एक जोश और ऊर्जा बढ़ती है कि बच्चों के लिए इस तरह से प्रयास किया जाए कि उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिट मिले और बहुत सारी जानकारियां भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से उनके पास रहे। क्योंकि मैंने जो प्रश्न रखा जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में वही आ जाए, क्या पता किसी प्रश्न पत्र में यही प्रश्न आ जाए कि सीवीसी का गठन कब हुआ था। तो अब कम से कम आप उत्तर दे पाएंगे
1964 में। हो सकता है यूपीएससी की किसी परीक्षा में चार स्टेटमेंट इसके बारे में आ जाए कि सीबीसी का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो के संथानम कमेटी भी याद रहेगा। तो दो तीन पॉइंट क्लियर हो गए, आगे भी इसे जान ले। इसे स्टैचुरी स्टेटस यानी कि एक तरीके से लीगल स्टेटस देने के लिए, कानूनी दर्जा, वैधानिक दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था। सूरज कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। 2003 में सीबीसी एक्ट 2003 बना, यानी सीबीसी एक्ट 2003 के माध्यम से इसे एक लीगल स्टेटस मिल गया। विकास जी वेरी गुड मॉर्निंग। अब तो 2003 के कानून बनने के बाद जो गठन, तो इसका मैंने बताया 1964 में ही हो गया था, लेकिन 1964 में जब सीबीसी बनाया गया था तो ये जिस तरह की व्यवस्था में काम कर रहा था उतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि इसे अपनी तरफ से भ्रष्टाचार की जांच के अधिकार नहीं है। सरकार की सिफारिशों के आधार पर यह जांच करती थी, तो बहुत सारे कंप्लेंट केसेस में मामले जो है सरकार से परमिशन नहीं मिल रही थी, पेंडिंग रहते थे, जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसीलिए इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए, इसका लीगल स्टेटस क्लियर करने के लिए 2003 में एक कानून बन गया पार्लियामेंट से, और आज सीबीसी अपने आप में एक एंटी करप्शन बॉडी के रूप में बहुत स्ट्रांग एजेंसी बन गई। आगे बात करते हैं। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, यानी जिसको हम मुख्य सतर्कता आयुक्त कहते हैं, जिसकी बात मैंने अभी की, संजय कोठारी जी इस समय है। तो एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, इसके अलावा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त भी होते हैं, यानी नॉट मोर देन टू विजिलेंस कमिश्नर। तो जो सतर्कता आयोग है ये किस तरह से किसे कंप्रोमाइज करता है, तो आप यहां पाएंगे कंसिस्ट कैसे होता है, ये कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो आप कहेंगे कि इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और दो अन्य सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। तो जो अदर है उन्हें कहते हैं विजिलेंस कमिश्नर, और जो इसमें चीफ होता है उसे सीवीसी या चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं। तो तीन सदस्यों का यह आयोग है, इसमें एक चीफ पर्सन हो गए, चेयरपर्सन हो गए, और एक यहां पर जो है बाकी सॉरी दो जो है वो इसके असिस्टेंट हो गए, या जिन्हें विजिलेंस कमिश्नर कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अब मुख्य सतर्कता आयुक्त और जो अन्य सतर्कता आयुक्त है, इन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। चलिए सुधीर कुमार जी कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, आप इसमें वीडियो भी अवेलेबल है तो आप उससे देख सकते हैं। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और जो सतर्कता आयुक्त है इन सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक प्रधान की है, वो नॉमिनल हेड है, वो सारे काम कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी की सलाह पर करता। तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो एडवाइस देने की एक कमेटी बनती है, एक समिति होती है, जिसकी रिकमेंडेशन पर ही अपॉइंटमेंट होता है। इस कमेटी का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति बनती है। लेकिन चूंकि सतर्कता आयोग का काम ऐसा है कि सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग भ्रष्ट ना हो पाए या भ्रष्टाचार करें तो उनके विरुद्ध जांच करना, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे एक स्वायत्त निकाय बनाया गया, ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। और ऑटोनॉमस बॉडी बनाने का यहां पर अर्थ यही है कि नियुक्ति में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बहुत निष्पक्ष तरीके से एक कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमेटी गठित की गई है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी मेंबर होता है और यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं। तो गृह मंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये मिलकर के कमेटी बनती है, वही नाम की सलाह देती है, नाम की सिफारिश करती है राष्ट्रपति के पास, और जो रिकमेंड किया जाता है जिनका नाम, उन्हीं को यहां पर प्रेसिडेंट सीवीसी या अदर विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करता है। यह बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इनका एक फिक्स टेन्योर है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, यानी 4 ईयर का टर्म होता है, और रिटायरमेंट एज 65 इयर्स की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टर्म की हम बात करें तो या तो 4 ईयर या 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी पहले हो जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो 58 साल की एज में सीबीसी बना तो वो 4 साल के टर्म के लिए रहेगा, और अगर मतलब फिर वो 65 के रिटायरमेंट एज तक नहीं, 4 ही साल का टर्म होगा, रीअपॉइंटमेंट हो जाए बात अलग है।
अदरवाइज यहां पर जो है वो अगर कोई 62 की एज में बनता है तो 4 साल नहीं रह पाएगा, क्योंकि 65 की एज कंप्लीट करते ही वो रिटायर हो जाए। तो दोनों में जो भी पहले हो उस आधार पर इसका कार्यकाल है। दो बात याद रखिए, 4 साल का कार्यकाल होता है विजिलेंस कमिश्नर और सीवीसी का, और इनकी रिटायरमेंट एज 65 होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, सीवीसी एक स्वायत्त निकाय है, यानी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि इसे एक तरीके से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। यानी एक तरीके से, हां कह रहे हैं अंजलि जी, कह रहे हैं सर इनका भी चुनाव होता है। नहीं, अंजलि जी, इनका चुनाव नहीं होता है। कोई भी प्रशासनिक पद जो है उसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है, इलेक्शन नहीं, ये एक प्रशासनिक पद है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो ऐसे में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है वो प्रशासनिक सेवा से ही जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर उन्हें अपॉइंट किया जाता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनकी नियुक्ति होती है। तो चुनाव नहीं, नियुक्ति कहिए। और जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले सीनियर अधिकारी होते हैं, जनरली सीनियर आईएएस आप कह लीजिए, उन्हीं में से ईमानदार व्यक्तित्व वाले लोगों को, ईमानदार छवि वाले लोगों को नियुक्त किया जाता है इस तरह के पदों पर। अब ऐसा नहीं कि पता चला कि एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को ही सीवीसी बना दिया गया जो पता चला भ्रष्टाचार रोकने के लिए यहां पर काम करने आया है। तो ज्यादातर आप पाएंगे कि जिनकी स्वच्छ और ईमानदार छवि होती है प्रशासनिक सेवाओं में, उन्हीं व्यक्तियों को इस तरह के पदों पर सुशोभित किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। मैं आगे बात कर रहा था कि ये सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं और भारत सरकार के अधीन ये कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोक सेवक हैं उनके जो है आचरण पर एक विजिलेंस का काम करते हैं, सतर्कता संबंधी वो एक तरीके से निर्देशन और साथ में अधीक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीक्षा जी कह रही है सर आई एम न्यू स्टूडेंट, ये क्लास रोज होती है। बिल्कुल दीक्षा जी, ये क्लास डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे इसका शेड्यूल है। और मैंने अगस्त के महीने में भी लगभग एक महीने करंट का सेशन चलाया था, अभी लगभग पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से करंट का सेशन रेगुलर चल रहा है। आप YouTube पर वीडियो भी इसका देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर उस पर पड़े हुए हैं। बाकी मैंने कहा नए साल में मैं इसका शेड्यूल फिर से चेंज कर रहा हूं और आपके सामने अब जो नया शेड्यूल होगा वो मैं मंडे से क्लासेस जब रिज्यूम करूंगा, क्योंकि कल से छुट्टियां हैं संडे तक, तो मंडे की क्लास जो रिज्यूम होगी वो दोपहर 2 बजे से अब करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा। तो सभी बच्चे इस बात को जान लें कि करंट अफेयर्स का सेशन 2 बजे स्टार्ट होगा और जो लोग जीएस का लाइव फाउंडेशन बैच कर रहे हैं उनकी क्लास 3:15 बजे से ज्योग्राफी की क्लास होगी। ठीक है, तो आज का शेड्यूल फिलहाल यही था, 10:15 बजे रहता था मॉर्निंग में शेड्यूल, जिसके अनुसार मैं अभी क्लास ले रहा हूं। और बाकी लाइव सेशन जो जीएस फाउंडेशन बैच का वो 11:30 बजे से चलता है, लेकिन दोनों का शेड्यूल मैं मंडे से चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो सब उम्मीद करता हूं दीक्षा जी समझ गई होंगी आप, और आप मंडे से अगर इस क्लास में साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे यूट्यूब या फेसबुक या भारतीय लर्निंग ऐप किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को एंजॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो मंडे से शेड्यूल ध्यान रखिए, 2 बजे से मैं आपके सामने लाइव होऊंगा। आगे बात करता हूं। हाँ, इस पर राघव जी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखिए, न्यायिक तंत्र, विधायी तंत्र और कार्यपालिका, राघव जी एक चीज समझ रखिए, राज व्यवस्था में शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इन तीनों को सेपरेट रखा ही गया, वो सब संवैधानिक संस्थाएं, उनके कुछ संवैधानिक अधिकार। समस्याएं तब आती है जब कोई प्रशासनिक क्षेत्र में काम करता है और प्रशासनिक क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्या होता है, सरकार ही उन लोगों की नियुक्ति करती है। तो जिनको अपॉइंट गवर्नमेंट कर रही है, अगर वो गवर्नमेंट के प्लेजर पर ही पोस्ट पा रहे हैं, गवर्नमेंट के प्लेजर पर ही ऑफिस होल्ड करेंगे, तो डर इस बात का होता है कि वो निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, वो बहुत जो है इंपार्शियल तरीके से कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा 2003 में सीवीसी एक्ट बनाया गया और इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी से या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट किया गया, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया, समझे। तो प्रशासन से ही ये लोग हैं, प्रशासनिक काम ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है इन पर दबाव ना हो, ये स्वतंत्र काम कर सके, इसलिए यहां पर जो है वो ये संस्था गठित की गई।
शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस तरह से कुल मिलाकर के सीवीसी के बारे में आपने जाना कि यह कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, इसका काम पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो करप्शन के कंप्लेंट्स है उनका एक तरीके से जांच पड़ताल करना, उन पर विजिलेंस करने की बात हो रही है। हाँ सुधीर जी कह रहे सर क्या मंडे तक करंट अफेयर्स और जीएस बैच की भी हॉलीडे रहेगा? हाँ संडे तक कहिए क्योंकि मंडे को तो क्लास रिज्यूम हो जाएगी। सुधीर जी कल और परसों दो दिन की छुट्टियां की गई है, दरअसल वो नौ वर्ष के उपलक्ष में, क्योंकि आप मुखर्जी नगर में अगर क्लास कर रहे होते तो पूरे सप्ताह क्लास डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के कहीं ना कहीं भावनाओं का सम्मान करते हुए भारती सर ने भी कल कहा कि नौ वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में इन बच्चों को कम से कम सर दो दिन के लिए क्लास ऑफ कर दीजिएगा, तो आपके कल से क्लासेस जो है नहीं चलेंगी, यानी कल परसों और बाकी वीकेंड है सैटरडे संडे, ये चार छुट्टियां रहेंगी, मंडे से मैं क्लास में फिर से रिज्यूम हो जाऊं। बिल्कुल राघव जी, सीएजी भी एक ऑटोनॉमस बॉडी। आगे बात करते हैं, भारत के पहले सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? निट्टूर श्रीनिवास राव, एनएस राव नाम याद रखिएगा। तो मैंने कहा 1964 में सीवीसी का गठन हुआ था, उस समय देश के प्रथम सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए थे एनएस राव, और ये 1968 तक जो है भारत के प्रथम सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, अभी रिसेंट में न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हरियाणा कैडर के 1978 बैच के एक अधिकारी थे जिनका नाम था श्री संजय कोठारी। मैंने कहा एक प्रशासनिक पद है, तो संजय कोठारी जी भारत के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और इन्हीं को अभी अप्रैल 2020 में भारत में नया चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। प्रेसिडेंट ने इनका अपॉइंटमेंट किया, 25 अप्रैल 2020 को इन्हें पद की शपथ दिलाई गई। यानी एक बात यहां पर आप और भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें शपथ, पद की शपथ जो कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। हाँ अनुराग सिंह जी क्या करें सर, न्यू ईयर में कब तक ऑफलाइन क्लास शुरू होगी उसकी उम्मीद? देखिए अनुराग जी, मैंने अभी अभी कहा कि 2020 का वर्ष जो है वो बड़ा दुखदाई रहा, विशेषकर आप लोगों के लिए नहीं कहूंगा, मैं अपने संदर्भ में भी कह रहा हूं। कोरोना संकट के कारण तो पूरी दुनिया इससे पीड़ित रही, ये वर्ष हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लगभग पूरा साल आप देख रहे हैं कोरोना संकट के ही दौर में गुजरा है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण अभी तक मैं उस अवसाद की स्थिति से बाहर नहीं हूं, बहुत सहज नहीं कभी कभी महसूस करता हूं, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानव भावनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तो हमारे भी अपने इमोशन है। परिवार का एक संकट था जिसके कारण आपने देखा काफी लंबे टाइम तक मैं क्लास भी नहीं ले पाया, करंट अफेयर्स की मेरी जो क्लास चलती थी बीच में रुक गई, जीएस का बैच रुक गया था, और फिर से बड़ी मेहनत करके बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सारी क्लासेस रिज्यूम की है। तो 2020 का वर्ष तो हमारे लिए बहुत दुखद रहा, सभी के लिए लगभग, लेकिन जो नव वर्ष का आगमन होने जा रहा है, 2021 का आगमन बस कुछ ही क्षण उसके और बचे हैं, आप कुछ घंटे कह सकते हैं कि भाई 48 घंटे 50 घंटे बाद नव वर्ष का आगमन हो जाएगा, तो उस नए वर्ष के आगमन के साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि हम सबके जीवन में कुछ बेहतर हो। तो क्योंकि हमेशा नई चीजों के आगमन पर उम्मीद यही होती है कि कुछ खुशियां लेकर वो आएगा, लेकिन सुख दुख वो जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो आप यही उम्मीद रखिए कि बेहतर ही होगा, एक बेहतरी की उम्मीद में ही आप नौ वर्ष का स्वागत करें और उम्मीद रखें कि शायद जो है मार्च तक आते आते हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में एक दूसरे के साथ होंगे और फिर क्लासेस का जो है वही माहौल फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस टीचिंग का सबसे इंप्रेसिव मोड है, मैं उसका कोई विकल्प इसे नहीं मानता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपके लिए बहुत सुविधाजनक जरूर है, लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो है इसका विकल्प नहीं, ऑफलाइन क्लासेस का कोई अल्टरनेट नहीं माना जा सकता। चलिए आगे आते हैं, सुधीर जी मुझे लग रहा है मेरे मित्र हैं, क्योंकि नाम से कई बार पता नहीं चल पाता, शायद हम बैचमेट थे एक ही स्कूल के, तो सुधीर जी के रिस्पॉन्स ऐसा मुझे लगा है, ठीक है मैं बाद में फिलहाल कंफर्म करूंगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोग सीवीसी के बारे में कुछ तथ्यों पर जानकारी ले रहे थे, उम्मीद करता हूं आप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं,
तो अप्रैल 2020 में इनकी नियुक्ति हुई, इसीलिए चर्चा में था। इन्होंने केवी चौधरी जो जून 2019 में रिटायर हुए थे उनका स्थान लिया है। इससे पहले केवी चौधरी जी जो है वो भारत के सीवीसी थे और आप देख रहे हैं जून 2019 में उनके रिटायरमेंट के बाद ये पद बहुत दिनों से खाली चला आ रहा था। जो यहां पर भारत के सतर्कता आयुक्त यानी जो एडिशनल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं शरद कुमार जी, वही कार्यवाहक सीवीसी बने हुए थे। तो अब यहां पर इस पद को भर दिया गया है और अब वर्तमान में जो है वो आपने देखा कि सीवीसी की नियुक्ति हो गई और संजय कोठारी जी देश के नए सीवीसी बन गए। ठीक, हाँ शुभम जी कह रहे हैं सर बैड टाइम चला जाएगा एक दिन, बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी ऐसा होगा। बबलू जी आप कह रहे हैं सर जी एक बार पूरी 2020 की करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दो। बबलू जी अगर आप पूरे 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो मेरा पुराना वीडियो भी आप सारा फॉलो कर लीजिए, अपने आप देखेंगे कि मैंने 150 से ज्यादा टॉपिक उसमें करा रखे हैं और वर्ष 2020 को ही ध्यान में रखकर उसमें सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। तो जो अगस्त माह में मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी और जो अभी ले रहा हूं ये सब मिलाकर आप देख लीजिए, पूरे साल भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही ये सेशन चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी वर्तमान में जो भारत के नए सीवीसी हैं संजय कोठारी और जो अन्य दो सतर्कता आयुक्त हैं उनके बारे में भी जान लें, एक है शरद कुमार जी और दूसरे है सुरेश पटेल। तो दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। मुकुल कुमार जी कह रहे हैं कि सर सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नहीं नहीं मुकुल कुमार जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहा जाता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हो, संविधान में प्रावधान हो। इतनी देर से मैंने जो लेक्चर दिया उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि सीवीसी का गठन 1964 में के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था। संविधान तो 1950 से ही देश में लागू है, यानी 1949 में भारत का संविधान बन चुका था और 26 जनवरी 1950 से देश में यह लागू हो गया था। तो अगर यह संवैधानिक संस्था होती तो उस समय कहीं ना कहीं अस्तित्व में होती या किसी संवैधानिक संशोधन से यह कहीं ना कहीं बाद में आई होती। ये कमेटी की रिकमेंडेशन पर सरकार के एक ऑर्डिनेंस द्वारा बनाई गई, बाद में इस पर इसे कानूनी रूप दे दिया गया और इस तरह से 2003 में इसे लीगल स्टेटस मिल गया। तो पहले यह प्रशासनिक पद था, अब यह विधिक दायित्व निर्वहन कर रहा है, विधिक संस्था के रूप में काम कर रहा है। तो संवैधानिक मत कहिए, संवैधानिक और विधिक में अंतर होता है। विधिक मतलब स्टैचुरी बॉडी, लीगल बॉडी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज के तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। मार्च 2019 में अपॉइंट किए गए देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? अब लोकपाल भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लोकपाल पिछले कई समय से या पिछले कई वर्षों से चर्चा में भी था, खासकर जब इस पर कानून बन गया था अन्ना हजारे जी का आंदोलन। अगर आप सबको याद हो तो केजरीवाल साहब और अन्ना हजारे जी ने पूरे देश में लोकपाल के गठन को लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था और इसी के परिणाम स्वरूप 2013 में ही लोकपाल का कानून बन गया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि लोकपाल का कानून बनने के बावजूद भी भारत में अब तक लोकपाल का गठन नहीं हो पाया था। अभी रिसेंट में मार्च 2019 में जाकर देश के पहले लोकपाल का गठन हुआ और यहां पर पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। राघव झा जी ने इस पर उत्तर भी दे दिया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, लोकपाल के बारे में जानेंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री अपॉइंटेड इन मार्च 2019, यानी अभी मार्च 2019 में देश का प्रथम लोकपाल किसे बनाया गया। चारों ऑप्शन अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला नाम लिखा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, दूसरा नाम लिखा है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, तीसरा नाम लिखा है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी और चौथा नाम लिखा है न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले। तो एक चीज तो ये ऑप्शन पढ़कर आपको क्लियर हो रहा होगा कि लोकपाल के पद पर नियुक्ति उन्हीं की जाती है जो न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक सेवा में कार्य कर चुके हैं, न्यायिक सेवा में रह चुके हैं, यानी सब में जस्टिस टर्म लिखा हुआ है। तो आप पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, तीसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन पढ़ रहे हैं जस्टिस दिलीप बाला साहब भोसले, बाबा साहब भोसले।
तो हाँ बिल्कुल राघव जी, ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में पहली बार लोकपाल का गठन स्वीडन में हुआ था, और स्वीडन में जिस लोकपाल की आप बात कर रहे हैं उसे लोकपाल ना कहकर वहां पर ओम्बड्समैन कहा जाता है, इसी का इंग्लिश वर्जन है ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन का मतलब होता है कि जनता का प्रहरी, जनता के हितों की रक्षा करने वाला, लोक रक्षक। तो ओम्बड्समैन का ही हिंदी रूपांतरण बनाया गया है लोकपाल। लोक शब्द का मतलब आम जनता, पब्लिक, और पाल का मतलब होता है पालक यानी रक्षक। तो जनता के हितों की जो रक्षा करे वही लोकपाल है, ओम्बड्समैन है। और स्वीडन या स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्वीडन पहला देश था जहां पर लोकपाल का गठन पहली बार हुआ था ओम्बड्समैन नाम से। उसी से इंस्पायर्ड होकर, यानी नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो वहां स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के जो है विरुद्ध एक एजेंसी बनाई गई कि भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके, आम जनजीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके, कंट्री को बहुत क्लीन रखा जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर ओम्बड्समैन बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब तो इसका उत्तर बच्चों ने दे दिया है और ज्यादातर बच्चों ने सही उत्तर दिया है, जैसे राघव झा जी बिल्कुल सही है, रंजीत कुमार जी, सिमरन जी, अनुराग जी, सभी आप लोग करेक्ट हैं और मैं आपके साथ जाऊंगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। तो आंसर बी सबसे पहले आप सब टिक कर ले। मुकुल जी आप भी सही है, काजल जी आप भी सही है, आप सबने यहां पर जो है ये न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को उत्तर बताया था, यही करेक्ट आंसर है। और ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज है, इन्हीं को अभी देश का पहला लोकपाल बनाया गया, ये वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। तो इनके बारे में आप इतना जान लें कि ये देश के प्रथम लोकपाल नियुक्त हो चुके हैं और इन्हें ये गौरव मिला है कि ये देश के प्रथम लोकपाल है। तो सोनू जी अपना आंसर करेक्ट करिए और आंसर बी लगाइए, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बनाए गए। देश में लोकपाल का गठन मार्च 2019 में हुआ, यानी लोकपाल बॉडी का जो क्रिएशन या फॉर्मेशन हुआ यह अभी मार्च 2019 में। लोकपाल है क्या, तो एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है या ओम्बड्समैन बॉडी है, यानी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए या भ्रष्ट आचरण पर अंकुश रखने के लिए लोकपाल का गठन किया गया। फिर इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को यहां इसका चेयरपर्सन बनाया गया है, इस संस्था का, यानी कि लोकपाल नियुक्त किया गया है और 19 मार्च 2019 को इनकी नियुक्ति हुई है। लोकपाल में 8 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की गई है, यानी लोकपाल जो एक संस्था है, ओम्बड्समैन बॉडी है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 9, जिसमें 8 अन्य होते हैं और एक इसका चेयरपर्सन होता है, लोकपाल प्रमुख होता है। तो जो प्रमुख लोकपाल है या चेयरपर्सन है वो पिनाकी चंद्र घोष है। 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी 19 मार्च को की गई, जिसमें व्यवस्था यह है, कानून यह बना है कि 4 न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति होंगे और 4 गैर न्यायिक होंगे, यानी जुडिशियल सर्विस से 4 मेंबर इसमें रहेंगे और नॉन जुडिशियल सर्विस से, यानी पब्लिक सेवाओं में, पब्लिक सर्विस में काम करने वाले लोग जो है उनको भी इसमें सदस्य बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं, अब न्यायिक सदस्यों का नाम आप याद कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया पिनाकी चंद्र घोष तो चेयरपर्सन हो गए, बाकी 4 अन्य लोग भी न्यायिक सेवाओं से लिए गए हैं, ये सब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो लोकपाल के सदस्यों में अगर आ जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 सदस्य हैं, न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। तो ये लोग जो है लोकपाल की टीम में रखे गए न्यायिक सदस्य हैं। इसके साथ साथ गैर न्यायिक सदस्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे मुख्य सचिव श्री दिनेश कुमार जैन जी, इसके अलावा श्रीमती अर्चना राम सुंदरम जो कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में फॉर्मर डीजी थी, डायरेक्टर जनरल थी, महानिदेशक, श्री महेंद्र सिंह जो भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में पूर्व अधिकारी थे, और इंद्रजीत प्रसाद गौतम ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। तो इन्हीं लोगों को जो है गैर न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति दी गई।
8 सदस्यीय लोकपाल के हैं, बाकी प्रमुख लोकपाल या लोकपाल में जो चेयरपर्सन है पिनाकी चंद्र घोष है। फिर लोकपाल व उसके सदस्यों की ये नियुक्तियां वर्ष 2013 में पारित किए गए लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया, यानी 2013 में यहां पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 बना था, संसद द्वारा यह विधेयक पारित हुआ था। आपको यह घटना याद भी होगी कि इसके लिए कितना लंबा सेशन चला था, रात में जाकर इस विधेयक को पारित किया गया। तो यह विधेयक बनने के बाद ही राज्य स्तर पर लोकायुक्तों की नियुक्ति और केंद्रीय स्तर पर लोकपाल का गठन की व्यवस्था इस कानून में की गई। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्तियों का प्रावधान का प्रोविजन इस एक्ट में है और केंद्र में लोकपाल व उसके अधिकतम 8 सदस्यों की नियुक्ति का प्रोविजन इस एक्ट में रखा गया है। फिर हाँ, मुकुल कुमार जी कह रहे हैं सर आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी। बिल्कुल मुकुल जी, आज क्लास होगी। ये क्लास मैं लगभग कंप्लीट करने के मुकाम पर पहुंच रहा हूं और आज की क्लास भी मैं अभी यूट्यूब पर रखूंगा। अफ्रीका महाद्वीप पर जो डिस्कशन चल रहा था वो आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस या जो अदर जजेस होते हैं उन्हीं के तर्ज पर लोकपाल या सदस्यों की नियुक्ति होती है, यानी कि लोकपाल का जो प्रमुख होगा, जो प्रमुख लोकपाल होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के योग्यता या मापदंडों पर होंगे और बाकी जो अन्य लोकपाल होंगे वो ऐसे लोग लिए जाएंगे न्यायिक सेवाओं से कम यहां पर न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। फिर इसके साथ साथ यहां यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे, जिसमें मुख्य लोकपाल राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा जबकि अन्य लोकपालों को शपथ जो है वो लोकपाल दिलाएगा। तो जो आयोग के अन्य सदस्य हैं 8 वो लोकपाल से शपथ लेंगे और जो लोकपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेगा। लोकपाल व सदस्यों का कार्यकाल 5-5 वर्ष का होगा लेकिन अधिकतम 70 साल की एज तक वो इस पद पर रह सकेंगे। तो विच एवर इज अर्लियर, यानी 5 साल का टर्म या 70 इयर्स की एज, इस आधार पर यानी रिटायरमेंट एज इसमें 70 साल है। फिर आगे ध्यान दीजिए, लोकपाल के चेयरमैन के वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वेतन भत्तों के समान होंगे और जो सदस्य है उनके वेतन भत्ते जो है वो जजेस की सैलरी और अलाउंसेस के बेस पर तय किए गए। राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा, यानी एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें लोकसभा के स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो है कोई लॉ एक्सपर्ट जो होगा, इनसे मिलकर एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और ये लोग जो है राष्ट्रपति को रेकमेंड करेंगे कि किसे लोकपाल या लोकपाल का सदस्य बनाया जाए। अब आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है और ये लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो आज मैंने आपको इस डिस्कशन के माध्यम से बहुत विस्तार से कुछ चीजें बताई, साथ में आपको पीडीएफ फाइल भी मिल रही है तो आप खुद भी इसको पढ़कर तैयार भी कर सकेंगे। एक आपने सीवीसी के बारे में जाना, लोकसभा महासचिव के बारे में जाना और लोकपाल के बारे में जाना। अब एक चौथा प्रश्न आपके सामने है, अभी जनवरी 2020 में तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ था, तो आलू का क्या महत्व है भारत में ये सब जानते हैं। भारत की सब्जियों में आलू ही सबसे कॉमन है और खासकर आप कह सकते हैं सभी सब्जियों का राजा है भारत के संदर्भ में, और भारत आलू के प्रोडक्शन मामले में भी वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पर है, सेकेंड रैंक पर है। पूरे दुनिया में आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है और चीन के बाद जो है वो भारत जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो अभी तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ था, यानी थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, इसी पर पूछा जा रहा है भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। तो शायद आप सबने करंट अफेयर्स में यह टॉपिक भी पढ़ा होगा, इंडिया की ही एक सिटी में अभी थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव आयोजित हुई। मोदी जी ने इस पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे एड्रेस भी किया था, यानी उन्होंने इस पर यहां पर जो है लोगों को जो भी इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी कर रहे थे उनको संबोधित किया था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
तो मैं वही पूछ रहा हूं कि वो कौन सा शहर था जहां पर ये तीसरा वैश्विक सम्मेलन हुआ। राघव जी ने बहुत सही आंसर दे दिया, तो लगभग मुझे उम्मीद थी कि राघव जी इस पर सही रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे ज्यादातर करंट के प्रश्नों पर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है। राघव जी रियली आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जो है तैयारी में लगे हैं और आप सब इसके माध्यम से भी अपने आप पर कई चीजें अपडेट कर रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं जो है कुछ नई जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। काजल जी ने इसका उत्तर बी ऑप्शन लखनऊ को दिया है। आप सब प्रयास करिए अपने अपने तरीके से जो टॉपिक पढ़ा है। तो यहां पर अब मैं सीधे उत्तर पर आ जाता हूं। मैं यहां पर राघव जी का जिक्र इसीलिए कर रहा था क्योंकि उनके ज्यादातर उत्तर सही रहते हैं। तो अनुराग जी और काजल जी आपके रिस्पॉन्ड गलत है, आप सही कर लें। इसका सही उत्तर है गांधीनगर, यानी गुजरात में गांधीनगर में अभी इसका आयोजन किया गया है। अब मैं इसी पर चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लें कि ये जो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ 2020 में, ये 28 से 31 जनवरी 2020 को गुजरात में गांधीनगर में संपन्न हुआ। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च और फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर पोटैटो रिसर्च और साथ में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इनके सहयोग से जो इंडियन पोटैटो एसोसिएशन है इसके द्वारा आयोजन किया गया। तो इंडियन पोटैटो एसोसिएशन भारतीय या आलू संघ यानी व्यापार, आलू का व्यापार करने वाले लोगों ने एक अपना एसोसिएशन बना रखा है। इसी एसोसिएशन के द्वारा इन लोगों के सहयोग से, इन संस्थाओं के सहयोग से अभी भारत में तीसरा जो है वैश्विक आलू सम्मेलन आयोजित हुआ। अब यहां पर जो मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात की, ये आप जानते ही होंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहां है, नई दिल्ली में। फिर मैंने दूसरी बात की केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसे CIPR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोटैटो रिसर्च कहते हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए शिमला में है। और तीसरा है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो या इसे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहते हैं, ये पेरू की राजधानी लीमा में है। तो पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र पूछा जाए तो एक जानकारी भी आपके पास आ गई, ये लीमा में है। अगर पूछा जाए कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है तो शिमला में है, बाकी भारत का कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। तो इन तीनों संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहां है, कहां पर है, ये जान लीजिए। फिर चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और गुजरात भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। इसी तरह के कुछ वैश्विक सम्मेलन पहले भी हुए हैं। पहले दो ऐसे सम्मेलन 1999 और 2008 में आयोजित किए गए थे। ठीक, तो आज के इन चार प्रश्नों के माध्यम से काफी विस्तार में मैंने आपको कई नई बातें बताई। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और साथ में कहीं ना कहीं आपको तैयारी में भी बेहतर लग रहा होगा कि हम लोग करंट अफेयर्स पर कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें आने वाले परीक्षाओं में इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं करंट अफेयर्स का अपना लाइव सेशन कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन हम लोग फिर अगली क्लास के लिए मंडे को साथ होंगे। मंडे से मेरा जो नया शेड्यूल होगा वो दोपहर 2 बजे से मैं आपकी क्लास लूंगा, 2 बजे से करंट अफेयर्स चलेगा 3 बजे तक और 3:15 बजे के आसपास में फिर जो ज्योग्राफी का जीएस का लाइव फाउंडेशन बैच है वो शुरू करूंगा। तो आज मैं इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि नव वर्ष का आगमन आन होने वाला है, आप उसका स्वागत करें। नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपका जीवन मंगलमय हो जाए, इस कामना के साथ आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। हम लोग फिर सोमवार को मिलेंगे, बाकी आप सब नव वर्ष के आगमन को एंजॉय करें। धन्यवाद।